वेलकम बैक टू द चैनल प्लेस कोटा। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल व्लॉग है महाशिवरात्रि के लिए। आज महाशिवरात्रि है 21 फरवरी 2020। तो मैं आज ऐसे प्राचीन मंदिरों में जाऊंगा। एक तो गरड़िया महादेव जो मंदिर है वो कोटा से अबाउट 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आज मैं पहले वहाँ जाऊँगा। तो लेट्स ट्रैवल। गरड़िया महादेव जाते वक्त रास्ते में आता है हैंगिंग ब्रिज, मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये जो पूरा ब्रिज है 1.5 किलोमीटर का चंबल रिवर के ऊपर है। इसकी विड्थ 30 मीटर्स है, इसकी हाइट 125 मीटर्स है, मतलब 410 फीट, और ये पूरा 1.5 किलोमीटर का है। इसका ऑफिशियल नाम है कोटा बाईपास ब्रिज, इसे चंबल केबल ब्रिज ही बोलते हैं और इसका नाम हैंगिंग ब्रिज भी है। इसके नीचे है चंबल रिवर और ये कोटा जयपुर को कनेक्ट करता है। इस ब्रिज को बनने में अबाउट 10 या 9 साल लग गए थे। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2008 में और ख़त्म हुआ था 2017 में, और इसी बीच में एक बार कोलैप्स भी कर गया था जिसके कारण बहुत सारे लोग मर गए थे, मतलब अबाउट 45 लोग मर गए थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे। और अब चलते हैं गरड़िया महादेव। मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको, ऑलमोस्ट गरड़िया महादेव पहुंच चुके हैं 5 किलोमीटर, और यही रूट अहमदाबाद जयपुर पोरबंदर जैसी जगह भी जाता है, यहाँ से सीधा। पर गरड़िया महादेव के लिए अपन को लेफ्ट कट लेना पड़ेगा आगे से। चलते हैं यहाँ से लेफ्ट कट, ये लिखा हुआ गरड़िया महादेव। महादेव का टेंपल, ये कोटा से अपन को 20-25 किलोमीटर दूर पड़ा, और ये पीछे पूरी लाइन क्रॉस करके दर्शन मिले। वैसे तो यहाँ पे टिकट लगता है पर आज फ्री है ये। अब चलते हैं अपन यहाँ से बाहर। आज है महाशिवरात्रि 21 फरवरी 2020, इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ थी। मैं बाहर आ गया हूँ अंदर से, क्योंकि वहाँ पर आवाज़ आप लोग क्लियर नहीं आती, बहुत लाउड म्यूज़िक था वहाँ पर। वैसे तो ये जगह पेड है, यहाँ पे टिकट्स लेने पड़ते हैं, पर आज ये जगह फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कोई टिकट नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी दूर से लोग आए हुए सिर्फ महाशिवरात्रि के लिए, शिव जी के दर्शन करने के लिए अंदर। दिस प्लेस गरड़िया महादेव, मुकुंद्रा टाइगर हिल्स टाइगर रिज़र्व। मैं इस जगह साइकिलिंग करके भी आया हूँ कोटा से। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर पॉपअप हो रहा होगा, क्लिक करके आप देख सकते हो। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते, ये मेरी नीचे इंस्टा आईडी आ रही होगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कॉमेंट करो, नहीं अच्छी लगी है तो भी कॉमेंट करो। बाकी मौज काटो, ऐश करो, बाय, कीप ट्रैवलिंग एंड हर हर महादेव।